हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे LDC AEE दैट इज असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 70% कोटा बाय NWR नॉर्थ वेस्ट रेलवे ऑन द डेट 29th July 2021 में जो इलेक्ट्रिकल सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो टोटल 18 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो सबसीक्वेंट वीडियोस में डिस्कस किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी सभी से दरख्वास्त है कि आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रेलवे पाठक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर बात हो रही है एवरेज वैल्यू की। सो क्वेश्चन है द एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज विथ अ पीक वैल्यू ऑफ 200 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 200 वोल्ट है पीक वैल्यू, दैट मीन्स व्हाट मैक्सिमम वैल्यू Vm जिसको बोलेंगे, वी मैक्स इक्वल टू दिया है यहाँ पे 200 वोल्ट। और यहाँ पे वेव कैसी है, हाफ वेव रेक्टिफाइड है। तो हाफ वेव रेक्टिफाइड वेव के लिए जो होता है, जैसा कि आपको पता है, जो भी एवरेज वैल्यू होता है वह कितना होता है, वह होता है Vm अपॉन पाई, और पाई की वैल्यू होती है 3.14 और V मैक्स होता है 200। तो 200 डिवाइड बाई 3.14 करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 63.7 वोल्ट। अगर इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ फुल वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज, तो इस केस में जो और पीक वैल्यू अगर 200 वोल्ट ही होती तो इस केस में जो इसका आंसर होता है वह कितना होता है, 127.3 वोल्ट। ओके, दैट इज़ 2 Vm/π हो जाता है। ठीक है, एवरेज वैल्यू तो इस तरह से Vm/π 2 Vm/π। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सेकेंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड टू टोटल कनेक्टेड लोड कॉल्ड एज। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड की बात हो रही है और टोटल कनेक्टेड लोड की बात हो रही है, इनके बीच का जो रेशियो है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया है लोड फैक्टर, डिमांड फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर और नन। तो इस केस में जो मैक्सिमम डिमांड टू टोटल कनेक्टेड लोड का रेशियो है वह कहलाता है डिमांड फैक्टर, और डिमांड फैक्टर जनरली होता है हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसके अलावा एक टर्म आता है डाइवर्सिटी फैक्टर, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और डाइवर्सिटी फैक्टर जो होता है जनरली टोटल इंस्टॉल्ड लोड और रनिंग लोड का रेशियो कहलाता है। सो रेशियो ऑफ इंस्टॉल्ड लोड और एंड रनिंग लोड इज कॉल्ड डाइवर्सिटी फैक्टर, और वह जो होता है जनरली ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको देखा, डिमांड फैक्टर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रेक्टिफायर कन्वर्ट्स व्हाट, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेक्टिफायर जो है तो क्या करता है, तो इसका आंसर जो होगा, रेक्टिफायर क्या करता है, आप सबको पता है रेक्टिफायर बेसिकली जो है तो हमारा जितना भी एसी वोल्टेज होता है उसको पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। तो एसी टू डीसी कन्वर्जन इज द राइट आंसर उसे। ओके, रेक्टिफायर कन्वर्ट एसी टू डीसी, पल्सेटिंग डीसी बोलना करेक्ट होगा क्योंकि रिपल्स होते हैं जो रेक्टिफायर का आउटपुट होता है उसमें रिपल्स होते हैं जिसको बाद में हम फिल्टर्स लगा के उसको अलग करते हैं। इसके अलावा जो है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात की गई है यहाँ पे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फुली चार्ज सेल, ऑप्शन ए 1200 1220 1210 एंड 1215, इसका आंसर होगा 1220। नेक्स्ट क्वेश्चन है SI यूनिट ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स की यूनिट की बात की जा रही है। तो फ्लक्स की जो SI यूनिट होती है वह जनरली होती है क्या, यहाँ पे पूछा जा रहा है ऑप्शन ए लक्स, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी जो है वेबर, ऑप्शन डी है वह है ओम। तो इसका फ्लक्स का जो SI यूनिट होता है वह होता है वेबर, क्या होता है वेबर। लक्स जो है बेसिकली वह यूनिट है इल्यूमिनेशन वैल्यू की, तो इल्यूमिनेशन वैल्यू को हम लक्स से मेज़र करते हैं, दैट इज़ ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। इसके अलावा जो है वोल्ट वोल्टेज की यूनिट है और ओम जो है तो रेजिस्टेंस की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है PT, यहाँ पे PT क्वेश्चन नंबर 6 है, PT इज़ यूज्ड टू मेजर, ऑप्शन दिया हुआ है फ्रिक्वेंसी, ऑप्शन बी दिया है करंट, ऑप्शन सी दिया है वोल्टेज, ऑप्शन डी है पावर। तो यहाँ पे PT की अगर बात करें तो बेसिकली PT इज़ नथिंग बट अ पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर,
पीटी का मतलब यहाँ पे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से है, जिसका यूज जो होता है वह वोल्टेज मेजरमेंट किया जाएगा, ठीक है। सीटी जनरली करंट ट्रांसफार्मर होता है, दैट इज इंस्टॉल्ड इन पैरेलल मोड, व्हेयरएज पीटी इज इंस्टॉल्ड इन सीरीज मोड। सो पीटी क्या करता है, जो भी हाई वोल्टेज रहता है उसको, हाई वोल्टेज को हाई, क्योंकि जनरली जो ट्रांसमिशन लाइन है उनका वोल्टेज क्या होता है, बहुत हाई होता है, ठीक है, तो उसको वो क्या करता है, लो वोल्टेज से मेजर करने के लिए अपन यूज़ करते हैं पीटी को, और इसी प्रकार सीटी को यूज़ करते हैं करंट, लो वैल्यू ऑफ करंट मेजरमेंट में यूज़ करते हैं अपन सीटी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टार सर्किट है जो रेजिस्टेंस आर बाई टू दिया हुआ है, ईच इक्विवेलेंट डेल्टा एलिमेंट्स विल बी पूछा जा रहा है, ऑप्शन ए इज आर, ऑप्शन बी 3/2 R, ऑप्शन सी आर बाई 3, ऑप्शन डी इज 2 R। तो हम सब ने पढ़ा है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन में मैं एक फार्मूला आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, सम प्लस देयर प्रोडक्ट अपॉन रिमेनिंग का। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये एक स्टार नेटवर्क बना हुआ है, यहाँ पे एक मैं स्टार नेटवर्क ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, और इन सब का जो रेजिस्टेंस है वह R/2 R/2 और R/2 दिया हुआ है यहाँ पे। तो मैं स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन के केस में जो है तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो सम करते हैं अपन यहाँ पे R/2 + R/2 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें तो R²/4 और रिमेनिंग जो बचा R/2, तो इस तरह से R/2 से R/2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना 3R/2। तो इसका आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3R/2 इज द राइट आंसर, ठीक है। और डेल्टा टू स्टार के केस में जो है जस्ट अपोजिट होता, R/2 × R/2 / 3R/2, ठीक है, तो इसका आंसर 3/2 R हो जाएगा। नेक्स्ट है, विथ राइज ऑफ टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंडक्टर की बात हो रही है यहाँ पे, मेटल जनरली कंडक्टिंग नेचर के होते हैं, तो और राइज ऑफ टेम्परेचर के साथ जो रेजिस्टेंस होगा वह क्या होगा, तो क्योंकि जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें क्या होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। सो इस केस में जो है तो विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर जो मेटल है दैट विल ऑल्सो बी इंक्रीज, तो इसका आंसर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वह क्या होगा, इंक्रीज होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लोज सर्किट हैव रेजिस्टेंस, ठीक है, अगर हम इसका रिलेशन देखें तो टोटल रेजिस्टेंस RT इज इक्वल टू होगा R0 × 1 + αt, अल्फा डेल्टी बात कर लें तो डेल्टी इज नथिंग बट वेरिएशन इन देयर टेम्परेचर, अल्फा इज अ कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ओके। तो यहाँ पे क्योंकि ऐसा रिलेशन आ रहा है इसलिए टोटल रेजिस्टेंस होगा वो बढ़ा हुआ दिख रहा है आपको साफ साफ। नेक्स्ट है, अ क्लोज सर्किट हैव रेजिस्टेंस दिया है 50 ओम होगा, 100 ओम होगा, 0 होगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि क्लोज सर्किट्स है इसलिए जो इसका रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो क्लोज स्विच, तो क्लोज स्विच का मतलब हो गया शॉर्ट सर्किट, तो क्लोज स्विच जो होगा जनरली उसका जो रेजिस्टेंस होगा वह क्या होगा, 0 ओम होगा, क्या होगा, 0 ओम, ठीक है, दैट मीन्स शॉर्ट सर्किट है वह 0 ओम, ओके। इसके अलावा अगर बात करें तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट जो होगा उसका फ्लो करेगा क्लोज सर्किट से या क्लोज स्विच से, ठीक है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन है, द रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर इज एक्सप्रेस्ड इन, ऑप्शन ए दिया है एम्पियर, ऑप्शन बी दिया है बोल्ट, ऑप्शन सी दिया है ओम, ऑप्शन डी दिया है वीवर। यूनिट्स आपको पता है यहाँ पे अगर, तो इसका आंसर पता चल जाएगा आपको। फ्यूज वायर का फंक्शन जो होता है जनरली हमारा जो हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनको हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन से बचाना होता है, तो इस केस में जनरली जब भी कभी हाई करंट वैल्यू, हाई रेटेड वैल्यू ऑफ करंट जो होता है फ्यूज वायर से फ्लो होता है तो वो मेल्ट हो जाता है इस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए एम्पियर रेटिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो एम्पियर से होता है इसका आंसर होगा, ठीक है। तो फ्यूज वायर जो होगा उसका जो रेटिंग होगा वह है एम्पियर में एक्सप्रेस किया जाएगा। इसके अलावा जो है EIG सैंक्शन इज ग्रांटेड बाय, ऑप्शन ए इज रेल बोर्ड, रेलवे बोर्ड, ऑप्शन बी इज GM, ऑप्शन सी इज PCEE एंड ऑप्शन डी इज नन, ठीक है। EIG इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर टू द गवर्नमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर टू द गवर्नमेंट सैंक्शन
इज ग्रांटेड बाय, अभी जब ट्रेन 18 चली थी तो उस टाइम पे जो है तो ईआईजी सैंक्शंस को लेके काफ़ी इलेक्ट्रिकल और रोलिंग स्टॉक डिपार्टमेंट में काफ़ी टसल, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में काफ़ी टसल हुआ था। तो ईआईजी सैंक्शन इज ग्रांटेड बाय, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर टू द गवर्नमेंट, इसके लिए जो सैंक्शंस होता है वह रेलवे बोर्ड देता है। कौन देगा? रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट। मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट कौन सा है? ऑप्शन इज एफटीएल, ठीक है, फ्लोरेसेंट लैम्प हो गया, बीसीएफएल, ठीक है, एचपीएसवी दैट इज हाई प्रेशर सोडियम सोडियम वेपर ट्यूब्स जो होते हैं, और इसके अलावा डी इज एलईडी। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? एलईडी इज द राइट आंसर। एलईडी इज द राइट आंसर। तो यहाँ से जो लाइट एमिटिंग डायोड है वह क्या होता है? मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट होता है। क्या होता है? मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट कौन सा होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी इज द राइट आंसर। इसके अलावा पूछा जा रहा है कंडेमनिंग व्हील डाया ऑफ इलेक्ट्रिक लोको। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लोको है उसका जो कंडेमनिंग व्हील डाया होगा वह कितना होगा? ठीक है, ऑप्शन ए दिया है 1020, ऑप्शन बी है 1050, ऑप्शन सी 1072, ऑप्शन डी 1092। तो प्लीज़ इसका आंसर जो है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जो कंडेमनिंग व्हील डाया होगा इलेक्ट्रिक लोको का वह क्या होगा। यह क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। इसके अलावा 14 क्वेश्चन अगर हम बात करें यहाँ पे तो बात हो रही है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की। तो हाईएस्ट रेटेड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव यहाँ पे बात की जा रही है, WAG-12B, WAG-9, WAG-7, WAG-5H। तो इसका आंसर होगा क्या यहाँ पे? WAG-12B। मधेपुरा बिहार में इसका जो है तो काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन जो है चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शंस है, 800 इंडिजिनस लोगों का बनाने का जो है एम है यहाँ पे। एलस्ट्रॉम ने मदद किया इसके लिए जो है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो WAG-12B जो है तो हाईएस्ट रेटेड इलेक्ट्रिक लोको है, ठीक है। इसके अलावा ठीक है 12,000 HP के समथिंग इसका जो है तो 12,000 HP, ठीक है, 12,000 HP हॉर्स पावर। इसके अलावा है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव OHE। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव OHE स्ट्रक्चर्स, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रक्चर्स OHE स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं स्पैन लेंथ। क्या बोलते हैं? स्पैन, SPANLENGTH, स्पैन लेंथ। स्पैन लेंथ इज द राइट आंसर। स्पैन लेंथ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फेराड। फेराड इज द यूनिट ऑफ, ऑप्शन ए फ्लक्स, ऑप्शन बी इज कैपेसिटेंस, ऑप्शन सी इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, ऑप्शन डी इज रेजिस्टेंस। तो जनरली जो है फेराड इज द यूनिट ऑफ व्हाट? कैपेसिटेंस, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसके अलावा इंडक्टेंस की जो यूनिट्स होगी वह क्या होगी? हेनरी होगी। म्यूचुअल इंडक्टेंस की भी यूनिट्स क्या होगी? हेनरी होगी। रेजिस्टेंस ओम होता है, सबको पता है, और फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर, ये भी सबको पता है, ठीक है। इसके अलावा यूनिट ऑफ एनर्जी पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो एनर्जी की जो यूनिट होती है, एनर्जी इज नथिंग बट वॉट? पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम। पावर का यूनिट होता है वह कितना होता है? वॉट, और टाइम का यूनिट होता है आर। तो किलोवाट आर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। किलोवाट आर, एनर्जी इज नथिंग बट अ पावर इनटू टाइम। ओके, तो यहाँ पे पावर की यूनिट होती है वाट, और वाट इनटू सेकेंड। ओके, या यूनिट ऑफ एनर्जी एक टर्म में बोले तो जूल इज द राइट आंसर। जूल इज ऑल्सो द राइट आंसर, जूल और अर्ग। इसके अलावा एन इंसुलेटर हैव हाई रेजिस्टेंस, हाई कैपेसिटेंस, हाई कंडक्टिविटी और ऑल ऑफ द अबव। तो इंसुलेटर हैव अ व्हाट? अ हाई रेजिस्टेंस। इंसुलेटर का क्या होता है? रेजिस्टेंस हाई होता है। एस वी नो आर इक्वल टू व्हाट? रो एल अप वन ए। तो यहाँ से जो अगर इंसुलेटर होगा तो उसका रेजिस्टेंस हाई होगा। हाई अगर रेजिस्टेंस होगा तो रेजिस्टिविटी हाई होगी। रेजिस्टिविटी हाई होगी अगर तो कंडक्टिविटी क्या होगी? लो होगी। तो यहाँ से अगर बात करें यहाँ पे तो इंसुलेटर है वह लो कंडक्टिविटी और हाई रेजिस्टेंस। ओके, तो हमने इस तरह से टोटल 18 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करे।
तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं। और एक क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए छोड़ रखा है उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस तरह वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।